हमारे साथ हैं टीएमयू से डॉक्टर मेघानंद टी नायक, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, और दूसरी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस से होने वाले क्या लक्षण हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसमें लिवर का सूजन हो जाती है और दुनिया भर में 400 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हर साल 6 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से, मलेरिया और एड्स से भी ज़्यादा इस बीमारी से लोग मर जाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हर 45 सेकंड में एक जान इस बीमारी से चली जाती है। एक्चुअली 2/3 ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को ये भी पता नहीं होगा वे इस बीमारी से पीड़ित है, मगर इसका लक्षण ऐसा हो सकता है कि त्वचा और आंखों का पीलापन या उल्टी, पेट की दर्द और बहुत थकान हो सकती है। ये बीमारी लिवर और लिवर फेल्यूर भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। इस बीमारी से अगर इस इन बीमारी का लक्षणों को ध्यान नहीं दिया, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दे पाए तो पेशेंट्स का मृत्यु भी हो सकता है। तो इस पेशेंट्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है, वो है टीकाकरण। ये टीकाकरण सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में होता है। ये नवजात शिशु को पैदा होने के बाद दिया जाता है। किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चे को टीकाकरण नहीं हुआ है तो ये वयस्कों में भी दिया जा सकता है। इस तरह के टीकाकरण के लिए हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ये टीकाकरण दिया जाता है। ऐसे ही कैंप तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी 28 जनवरी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम सबको टीकाकरण कराएंगे। 28 जनवरी को टीकाकरण प्रोग्राम में आए, सब टीकाकरण करवाए।